15 साल का जो उनका गुजरात का काम रहा उसको देश में प्रचारित ज़्यादा किया गया। सच्चाई उलट थी, सच्चाई ये थी कि एक तो नफरत की राजनीति का जो मोदी जी का एजेंडा था वो अपनी जगह, इसके साथ साथ वहाँ विकास का जो मॉडल देश को बताया गया सच्चाई बिल्कुल उलट थी। किसानों की ज़मीन को 1 रुपये स्क्वायर मीटर कब्जा करके अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हो तो ये कौन सा जनहित का काम है। आप गुजरात के अंदर चले जाइए, वहाँ 5,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियाँ दी जाती हैं। 5 साल तक 5,000 में लोग काम करेंगे, उसके बाद परमानेंट हुए हुए नहीं तो उनको निकाल दिया जाता है। गुजरात के अंदर आप चले जाइए, शिक्षा का स्तर बहुत पीछे, अपराध बहुत तेज़ी से भी वहाँ बढ़ रहा है। CAG की ऑडिट रिपोर्ट है, लगभग 26,000 करोड़ रुपये का घपला और घोटाला गुजरात में हुआ है। गुजरात के अंदर बड़े बड़े IAS और IPS ऑफिसर्स जेल के अंदर हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी ने उनका दुरुपयोग करके कहीं इनकाउंटर कराया, कहीं कुछ कराया। तो ये सच्चाई है गुजरात की, लेकिन गुजरात की ये सच्चाई देश को बताई नहीं गई। देश को सिर्फ विकास 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 का सपना दिखाया गया जो सच से बिल्कुल विपरीत था, नंबर एक। दूसरी बात, जो उनका एक अपना एजेंडा खुद का है, वो जो अपने आप को हिंदुत्व के एजेंडे पे लाने की बात करते हैं, वो ऐसा नशा है जो नशा सारे मुद्दों को पीछे ढकेल देता है। और उस नशे में जब आदमी सवार होता है तो फिर वो विकास भूल जाता है, बेरोजगारी भूल जाता है, बिजली पानी की समस्या भूल जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भ्रष्टाचार भूल जाता है, और फिर उस सोच के तहत बह के वो भावुकता में वोट कर लेता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन उसका भी कुछ असर चुनाव में था। लोगों के दिमाग में था कि भाई ये 370 और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और जो इनका नकली सवाल होते हैं उसको लेके ये काम करेंगे, क्योंकि